दोस्तों, वर्तमान में स्टार प्लस मात्र एक ऐसा चैनल है जिसका हर एक शो हमेशा ही टीआरपी पर टॉप की पोजीशन पर रहता है, जहां प्रीतम और अमृता की कहानी के साथ मेकर्स जिंदगी मेरे घर आना नाम के शो के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने की तैयारी में है, जिसमें प्रोमो में अगर किसी ने दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया तो वो थे हसन जैदी, जो कि प्रीतम के किरदार में काफी ज्यादा अलग और दमदार किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अभी से ही उन्हें इस किरदार के लिए काफी प्यार मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, की आप जानते हैं, वर्तमान में प्रीतम की भूमिका निभा रहे अभिनेता हसन जैदी इस किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं है, बल्कि इनसे पहले टीवी इंडस्ट्री के 4 अभिनेता इस रोल के लिए सिलेक्ट किए गए, पर अफसोस किसी न किसी वजह से मेकर्स को उन 4 अभिनेताओं को रिजेक्ट करना पड़ा, जिसके बाद ये रोल जाकर हसन जैदी की झोली में गिरा। आखिरकार कौन से हैं वो 4 अभिनेता जो प्रीतम की भूमिका के लिए हो चुके हैं रिजेक्ट, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, शिविन नारंग। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेता शिविन नारंग का। इन्होंने जब से इंडस्ट्री में कदम रखा तब से लगातार काम कर रहे हैं। इनकी एक्टिंग दर्शकों को बेहद पसंद आती है, जिसके चलते प्रीतम के किरदार के लिए शो वालों का ध्यान सबसे पहले इन्हीं की तरफ गया, पर टैलेंटेड और हैंडसम अभिनेता को भी मेकर्स रिजेक्ट करने पर मजबूर हो गए। बात करें इसकी वजह की, दरअसल प्रीतम के किरदार के लिए जब इनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो न तो शिविन के लुक्स प्रीतम के किरदार में फिट बैठ रहे थे, न इनकी आवाज, जिसके चलते न चाहते हुए भी मेकर्स को इन्हें रिजेक्ट करना पड़ा। नंबर 2, करण कुंद्रा। टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर अभिनेताओं में एक नाम है करण कुंद्रा का, जिन्हें आज इंडस्ट्री में काफी सालों का एक्सपीरियंस हासिल हो गया है। वहीं प्रीतम के किरदार के लिए मेकर्स को इनका लुक भी एकदम परफेक्ट लगा, जिसके चलते उन्होंने शो के बारे में इनसे बात की, जहां करण कुंद्रा ने इस शो के लिए हामी भर दी, पर स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त ये कभी किसी चीज को बदलने की मांग करने लगे तो कभी किसी चीज को, जिसके चलते मेकर्स को इनका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। नंबर 3, जैन इमाम। दर्शकों के पसंदीदा अभिनेताओं में एक नाम है जैन इमाम का, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने लुक से भी हर किसी का दिल जीता, जिसके चलते शो के मेकर्स ने भी दर्शकों का प्यार पाने के लिए इन्हें इस रोल में कास्ट करने के बारे में सोचा, जिसके बाद तो सब कुछ एकदम सही चला, ये इस शो को करने के लिए रेडी हो गए। पर जब शो की शुरुआत की गई तो इनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर इनके रिजेक्शन की वजह बन गया। जी हाँ, शो में काम करने के पहले दिन ही ना इनके आने का टाइम था ना जाने का, और ऊपर से इनके 1000 नखरे, जिसके चलते शो वालों ने इन्हें सही समय पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 5, राहुल सुधीर। इन तीनों अभिनेताओं के अलावा इस शो के मेकर्स के दिमाग में अभिनेता राहुल सुधीर का नाम आया, जिनको देखकर पता चलता है कि ये इस किरदार के लिए बिल्कुल फिट बैठेंगे, जिसकी वजह से मेकर्स ने बिना वक्त गवाए राहुल को अप्रोच किया। राहुल ने जब इनकी स्टोरी पढ़ी तो वो इन्हें पसंद आ गई, लेकिन इन सब के बावजूद ये भी रिजेक्ट हो गए। बात करें इसकी वजह की तो दरअसल राहुल सुधीर अपने हर एक शो के साथ इतने मशहूर हो चुके हैं कि इन्होंने ऐसी फीस की डिमांड कर दी, जिसे सुनने के बाद मेकर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर किसी और को ही इस शो में कास्ट करना सही समझा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस किरदार के लिए हसन जैदी बेस्ट है या इन 4 अभिनेताओं में से कोई और? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।